क्या नाम बतलाऊं? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? मत मारो मुझे, और मत मारो मुझे, मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा आदमी हूं सुनील, मैंने तुम्हें और तुम्हारी मासूम बीवी को बहुत परेशान किया है, बहुत तंग किया है, मुझे माफ। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। तो मेरे मरने के बाद अगर सलीना को मेरी आंखें मिलेंगी तो उसमें मैं ही जीऊंगा माँ, मैं ही जीऊंगा माँ, मैं जीना चाहता हूँ माँ, मैं जानता हूँ माँ कि मेरे मरने के बाद आपको डैडी को कितना दुख होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने भी कभी सोचा है कि आप जैसे माँ बाप को छोड़कर जाने में मुझे कितना कष्ट हो रहा होगा? अरे माँ, इस भयानक मौत से मुकाबला करने का मुझे मुझे साहस दो माँ, मुझे साहस दो। अपन तुमको मारा, बेइज्जत किया, माफ करना। तुम्हारे को मुरली के पास वापस भेजने का अपन के पास कोई रास्ता ही नहीं था। अगर अपन को मालूम होता कि तुम मुरली से प्यार करता है तो कसम से अपन तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आता। वो इस जन्म में नहीं मिलता, वो अगले जन्म में मिलता है। अपन अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं, तुम्हारे प्यार में दिल बेकरार कब से है, अब आ भी जाओ मुझे इंतजार कब से है। बुलाओ उस जहरीली नागिन को जिसने मेरे प्यार को डसा है, बुलाओ बुलाओ उस बेरहम कातिल को जिसने मेरी मोहब्बत का खून किया है, बुलाओ बुलाओ। तकलीफ मत करो प्रिया, प्यार में हिसाब, टू गुड। सच तो आप जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो सच सुनना चाहते हैं वो अपनी जेब में पिस्तौल और दिल में नफरत लेकर नहीं आते सर। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सर, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सच को सुनने के लिए। अगर गंगा की हिफाजत करना प्यार है तो है, 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 और हमेशा रहेगा सर। माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। तुम नहीं मिली ना, वरना तुमसे शादी कर लेता। राहुल, अंजलि, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार एक बार ही होता है। तुमने भी तो शादी नहीं की, तुम नहीं मिले ना। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। करना हो कुछ जीतना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो, और अगर दिल से जवाब ना आए तो अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ और पापा का नाम लेना, फिर देखना हर मुश्किल आसान हो जाएगी। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, बेहोश हो सके, पारो को भुला सके, लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। एक पति क्या चाहेगा, एक मर्द क्या चाहेगा, यही कि उसकी पत्नी इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसी से प्यार करे। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है, लेकिन तुम्हें यह मालूम है कि उसे हॉर्लिक्स अच्छा लगता है। सिर्फ बिस्तर पर साथ में सोना ही एक बीवी का फर्ज नहीं है, मन से मन मिलना चाहिए। सभी से पैसे ले लिए तुमने, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाता,
क्या हो जाता? हमारा बिजनेस बंद हो जाता, ये घर बिक जाता, तो क्या है? हम फुटपाथ पर आ जाते, हजारों लोग फुटपाथ पर रहते, जिंदगी में जद्दोजहद करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास है, भरोसा है। मैंने अपने बाप से पैसे नहीं लिए, रिश्तेदारों से पैसे लिए, तुम्हारे बाप से पैसे नहीं लिए, और तुमने समीर के सामने अपने हाथ फैला दिए। आज आज एक हंसी और बांट लो, आज एक दुआ और मांग लो, आज एक आंसू और पी लो, आज एक जिंदगी और जी लो, आज एक सपना और देख लो। आज क्या पता कल हो ना हो। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। One second, wait, I love you, I love you very very much, नैना। आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त। इसे प्यार कहो, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। मेरे होते हुए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सब ठीक है। बाबा आप भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, वो जरूर मिल जाएंगे। एक बार मेरी वजह से आपने अपना घर, अपना पति खोया था, मैं आपको आपका बेटा नहीं खोने दूंगा। मैं यकीन दिलाता हूं लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मोहब्बत क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जारा के लिए दिल से एक दुआ से भी निकलती है, किसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, हमेशा हंसती रहे। हम इसे मोहब्बत कहें तो मोहब्बत से। वैसे भी अजनबियों की बात सुन लेनी चाहिए, कभी कभी अजनबी अपनों से ज्यादा जानते हैं। हम जानते थे कि हमारा सफर यहीं तक था, ये हमारी मोहब्बत की कुछ आखिरी सांसें थी, अलविदा। हमारे सारे रिश्ते इस एक लफ्ज पर आकर रुक गए, हम दोनों ने अपने घर छोड़ दिए और एक दूसरे को बताया तक नहीं, फिर मिलने की उम्मीद को इतनी खामोशी से मरते पहली बार देखा। ये इंडिया के बेस्ट हॉकी प्लेयर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगी इंडिया का झंडा ऊंचा करने, ठीक कहते, ठीक कहते हैं एसोसिएशन वाले, चकला बेलन चलाने वाली हॉकी क्या खेलेंगी, जो एक टीम की तरह नहीं खेल सकती वो वर्ल्ड कप क्या जीतेंगी, क्या देख रहे हो उसे, बेहोश हुई है, मरी नहीं हो। तनी पार्टनर राज, नाम तो सुना ही होगा। बड़ा सिंपल है जी, मेरे को आप में रब दिखता है, उनके आगे मत्था टेकता हूं तो दिल को सुकून मिलता है, आपको हंसते हुए देखता हूं, खुश देखता हूं तो दिल को और सुकून मिलता है जी। तनी जी अगर यही प्यार है तो मैं आपको रब से भी ज्यादा प्यार करता हूं जी। हमारा जिक्र तो हर पल हुआ फसाने में, तो क्या हुआ जो थोड़ी देर हुई आने में। इतनी खूबसूरत तुम पहले कभी नहीं लगे। Yeah, really? Oh. Come on, let me take a look at you. Get up. Come on. Wow. Yeah. I love you. I love you too. मौत तो सबको आनी है मिस्टर मलिक, और शायद इस वक्त जेल जाने में ही मेरा फायदा है। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा, एक गुमनामी का समुंदर है उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है, मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन। मरने वाले को कभी ये नहीं कहा जाता कि वो मरने वाला है। देखो मीनम्मा, अगर मेरी हट गई ना, मेरी हट गई ना तो क्या करोगे राहुल? तो मैं सुसाइड कर लूंगा।
मैं पॉइजन खा के गले में रस्सी डाल के चेन्नई एक्सप्रेस के नीचे जान दे दूंगा। ए मिनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द सच में औरत को कोई नहीं समझ सकता। अभी जो मैं तुझसे पूछेगी उसके लिए मुंडी हिलाएगी, जितना प्यार मैं तुझसे करती क्या उतना प्यार तू भी मुझसे करती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स, लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है। हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। 15 साल बीत गए, 15 साल 4 महीने 10 दिन। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, जिस मुकाम पे भी हूं, अपने फैंस की वजह से। अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।